जिला हमीरपुर में अखिल भारतीय डाक सेवक संघ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर डाकघर विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में विभाग के सभी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। धरना प्रदर्शन में अखिल भारतीय ग्राम डाक सेवक संघ के प्रधान जगदीश चौधरी, सचिव होशियार सिंह मौजूद रहे। कर्मचारियों ने अपनी मांगों में संपूर्ण GDS कमेटी रिपोर्ट को 1 जनवरी 2006 से लागू किया जाए, ग्रेच्युटी की ऊपरी सीमा 15,000 रुपए से 5 लाख रुपए में परिवर्तन किया जाए, एकल कर्मचारी डाकघरों को एक और कर्मचारी देकर दो कर्मचारी के कार्यालय में अपग्रेड किया जाए आदि कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय डाक सेवक संघ के पदाधिकारी ने बताया कि डाक सेवक संघ के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने ये भी कहा कि डाक विभाग के कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो सरकार के खिलाफ और उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसका हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है 2004 से जो लागू की है, उसको तुरंत बंद किया जाए। ये कर्मचारियों के साथ बिल्कुल धोखा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो भी कर्मचारी 60 साल तक जो सेवा करेगा, उसके बाद हथियार होगा, तो उसको एक पेंशन दी जाए, सोशल सिक्योरिटी दी जाए। तो उसमें ये न्यू पेंशन स्कीम इन्होंने सरकार ने जारी कर दी है, चालू की हुई है, ये बिल्कुल धोखा है। तो हमारा आज का सबसे जो पहला शॉर्ट ऑफ डिमांड यही है कि न्यू पेंशन स्कीम बंद की जाए। जो पुरानी पेंशन स्कीम है 2003 से पहले मिलती थी, वो उसमें बहाल की जाए। दूसरा हमारा ये है कि जो जो ड्रीकोनियन एफ 56 है, 3 महीने का नोटिस दे रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आपकी सेवा से हम संतुष्ट नहीं हैं, और उनको जो एम्प्लॉय कर्मचारी हैं उनको निकालने का धमकी दी जा रही है, उसको तत्काल बंद किया जाए। और विटाल जो जो हमारे कर्मचारी हैं उनके ऊपर जो है अटैक किया जा रहा है, हमारे कर्मचारी यूनियन जो उनका एक्टिविटी है उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, उसको तुरंत बंद किया जाए। कर्मचारियों का शोषण तुरंत बंद किया जाए और कर्मचारियों को जो है प्रताड़ित करना बिल्कुल बंद किया जाए। इस प्रकार के हमारे बाकी और भी कई डिमांड्स हैं, और उसमें एक इन्होंने वेरी गुड बेंच मार्क लगा दिया है। MECD के लिए आपको वेरी गुड मार्क बेंच मार्क दिया जाएगा, वो भी तुरंत बंद किया जाए। पहले इसमें क्या होता था कि गुड था कि आदमी को गुड होना, वेरी गुड कर दिया है। अब वेरी गुड भी है, इस हमें जो ऑफिसर होते हैं उनकी मर्जी के ऊपर रहना पड़ता है। ऑफिसर के अगर किसी कर्मचारी के बड़े से रिलेशन है तो उसको वो एक्सीलेंट दे देता है और वेरी गुड देता है। अगर किसी वर्कर है, हालांकि वो अच्छा ही है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है वो, लेकिन उसको गुड दिया जा रहा है, उससे गुड देने से क्या हो रहा है कि बेंच मार्क गुड है, MECD में उसको वो प्रमोशन नहीं मिल पा रही है 10, 20, 30 वाली का। वो भी हमने इसमें हमारा मुद्दा है कि वेरी गुड। इसके अलावा हमारा जो अनोमली अराइजिंग आउट 7 पे कमीशन में जो अनोमली आई थी उसको तुरंत सेटल किया जाए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत किया जाए। अंदर जो है कर्मचारी कोई नहीं है नहीं काम करने के लिए, सभी जो टैलेंटेड हैं सभी काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं, चाहे पोस्टल विभाग है और भी विभाग हैं, सभी सक्षम हैं करने, लेकिन वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कमज़ोर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो बढ़ाया जा रहा है, ताकि हम सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन कर दे। उसी तरह जैसे मैं पोस्टल की तरफ ही रहना चाहूँगा, बच्चे रेलवे भी है बाकी भी है, लेकिन हमारा पोस्टल को भी हम आगे प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार बढ़ा रही है। और साथ में हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं उनको रेगुलर किया जाए, उनको रेगुलर कर्मचारी का जो दर्जा दिया जाए, हमारी ये मांगे हैं। इसके लिए हमारा आज ये सांकेतिक है, हो सकता है कि अगर हमारी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन स्ट्राइक भी कर सकते हैं। ये हमीरपुर जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है, उसमें से कुछ एक कर्मचारी आए हुए हैं। हम लोग जो है हम जो पोस्टल जो सेवाएँ हैं, डाक सेवाएँ हैं, उनको भी हम बाधित नहीं कर रहे हैं, ताकि जो लोगों को इसकी समस्या ना खड़ी हो, इसलिए हम लोग उसमें से कुछ परसेंट जो आए हुए हैं वो सरकार को चेताने के लिए आए हैं कि सरकार जाग जाए और कर्मचारी को प्रताड़ित करना बंद करे, और बाकी जितना भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करे। बाकी हमारी जो NPS जो आई है, NPS के साथ जो कर्मचारी का धोखा है, इसको तुरंत बंद किया ही जाए।